सागर की मत पूछो, सागर का चंगीला। हमारा हमारा एक चेला है चंगीला, आजकल यही सागर में रह रहा है, भोपाल रोड पे, फोर लाइन पे। सागर का चंगीला, इतना विचित्र आदमी, इतना विचित्र आदमी, कोई काम नहीं करता। उसने एक मंत्र सीख रखा था झाड़ा लगाने, कोई भी आवे, नीम का जो लोचा होता है, नीम का कोचा निकाले, लोचा, बस मंत्र लगावे, झाड़ा लगावे। बरसात आ गई, पत्नी ने कहा दिन भर झाड़ते रहते हो, खप्पर छाओ, बरसात आ गई, आफत हो जाएगी, बरसात में पानी नीचे आएगा, तुम दिन भर यही करते रहे। अब वो इतना आलसी के उसे एक ही काम, किसी का पेट दर्द तो ठीक है, दांत भी दर्द हो, वह सोई, वो कहे कोई दिक्कत नहीं, बैठो बैठो, ऐसे दांत निकालो, दांत निकलवाओ, लगो मंत्र लगा, अच्छा बताओ दर्द गाओ, आदमी बोलो दर्द नहीं गाओ, डांट चली गई। बड़ा विचित्र, पत्नी बड़ी परेशान, बरसात आई, बरसात में तो अब जब खप्पर ही ठीक से नहीं रखे तो पानी तो नीचे आएगा, लेकिन ये आदमी इतना आलसी, फिर भी दरवाजे पे बैठा, नीम का लोचा लिए कि कोई आए तो फिर झाड़ा लगवाए। एक आदमी आया, पेट में दर्द, बैठ जा बैठ जा बैठ जा। पत्नी ने सोचा इतने दिन हो गए, जरा गौर से सुने ये मंत्र क्या मारता है। इसने नीम का लोचा लिया और मंत्र वाले ऐसे करते ही है, तो पत्नी ने थोड़ा और कान लगाया कि क्या है। पत्नी को लगा के हद हो गई यार, इतने दिन हो गए मंत्र नहीं सुन पाए, कि आखिर ये कौन से मंत्र का। और कई लोग जो जो मंत्र वाले होते हैं, झाड़ा लगाने वाले, में ऐसे एक दिन पत्नी बड़े गौर से सुन रही थी और चंगीलाल मंत्र बोल रहा था, घर बांधू, मरघट बांधू, मसान बांधू, आंग बांधू, सात समुंदर बांधू, आकाश बांधू, पाताल बांधू, लोग आई बोली ठटरी के भरे, पहले मकान तो बांध ले। मकान बांध नहीं रहा, घर बांधू, आकाश बांधू, पाताल बांधू, सात समुंदर बांधू, मरघट मसान बांधू, ठटरी के भरे, मकान तो पे बांधत भी नहीं बनो। ऐसे भी कई लोग होते हैं जिनसे छोटे मोटे काम तो होती नहीं, पर बड़े काम करते रहते हैं वाणी में। बोलो सीताराम। खैर सागर के लोग ऐसे नहीं हैं, ये तो हमने श्रीलंका वालों की बात बताई है। आप लोग तो बहुत सज्जन हो, क्योंकि हमें अभी 6 दिन टिकना है यहाँ, कथा भी करनी, साकुशल पता चले कलई टमाटर गलन लगे।